उज्जैन जिले के नागदा में कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने कहा कि ग्रेसिम इंडस्ट्री के पावर हाउस गेट पर 5 सालाना समझौते को मजदूरों के हित में हो। स्वामी ने यह भी बताया कि समझौता पिछले समझौते की तरह ही सार्वजनिक किया जा रहा है। हमने यूनियन के नेताओं से बात करने की कोशिश की तो वो गोल मोल बातें करने लगे। पिछली सरकार ने जो समझौता करवाया था उसमें 20% लोग परमानेंट हो गए। स्वामी ने यह भी नहीं कहते थके कि मजदूरों के लिए हम आज रात को भी तैयार हैं, बशर्ते मजदूर भी हमारे साथ हो। उन्होंने आगे कहा कि अगर समझौते में विलंब हुआ तो आगे इसके दुष्परिणाम होंगे और इसके जिम्मेदार प्रशासन प्रबंधन ही होंगे। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। गेट मीटिंग इस बात को लेकर हुई है कि उद्योग प्रबंधन और श्रम संगठनों के बीच में जो वार्ताओं का जोर चल रहा है वो मजदूरों के बीच में उसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। तो क्या कारण है क्यों खुलासा नहीं कर रहे श्रम संगठन, इस बात को लेकर आज हम गेट पर आए। किस तरह के श्रम संगठन से आपको उम्मीद है कि मजदूरों के इतने बात ये अभी 6 महीने हो गए, 6 महीने का समय ज़्यादा बीत गया है लेकिन आज तक कोई भी श्रम संगठन का गेट पे नहीं आया। वो गेट पर आए तो उम्मीद बनेगी, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है उनसे। अगर प्रबंधक अभी कोई ध्यान नहीं देता तो आप अगला आपका कदम क्या होगा? हमारा मजदूर हित में मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़ाई लड़ेंगे, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। मजदूर जो बोलेगा वो देवास जिले के